आपको सैमसंग में 15 में स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, यानी आपका स्क्रीन है वो जल्दी ऑफ हो जाती है, जल्दी बंद हो जाती है, तो कैसे उसमें टाइम आउट सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, तो कैसे आप सेट कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो ले चलता हूं फोन डिस्प्ले पे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपको ले चलता हूं अपने फोन डिस्प्ले पे और आपको बताता हूं कि कैसे आपको सैमसंग में 15 में टाइम आउट सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सिंपली यहां पे ऊपर में सेटिंग्स वाले आइकन दिख रहे होंगे, तो सिंपली सेटिंग्स वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस होगा, तो सिंपली नीचे स्क्रॉल के आइएगा। नीचे स्क्रॉल के आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए डिस्प्ले, तो सिंपली क्या करना है डिस्प्ले पे क्लिक कर दीजिएगा। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट देख सकते हो, तो स्क्रीन टाइम आउट, तो सिंपली स्क्रीन टाइम आउट पे सेटिंग्स कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाएंगे, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, यहाँ पे बहुत सारे टाइम दिखाएंगे, तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको एक ऑप्शन आपको दिखा जिसके यहाँ पे 5, 10, 15 जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कीप स्क्रीन ऑन व्हील व्यू, जब भी आपका यहाँ पे अगर फेस के आपके सामने होगा फ्रंट कैमरा, तो ऑटोमेटिक वो ही आपका डिस्प्ले होगा वो ऑन रहेगा, अन्यथा ऑन नहीं रहेगा। तो इस तरह आप अपने सैमसंग में 15 में स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर कीजिए।